दोस्तों, आप लोगों ने तो इसका आवाज़ सुन ही लिया होगा कि इसका आवाज़ कैसा है। दरअसल 2 दिन पहले ही मैंने इसे बनाया है। हालांकि ये मिनी डीजे पोर्टेबल तो है, आप इसे जेब में कहीं भी रख कर ले आ सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आपको इसमें अपने मोबाइल के चार्जर से या फिर पावर बैंक से चार्जिंग पिन लगाकर इसे आप पावर देंगे तभी आप इसे बजा सकते हैं, नहीं तो ये नहीं बजेगा। तो आज मैं आप लोगों को इस डीजे साउंड को पूरी तरह से पोर्टेबल बनाकर दिखाऊंगा, यानी इस डीजे को रिचार्जेबल बनाकर दिखाऊंगा। तो इस मिनी डीजे को रिचार्जेबल बनाने के लिए आपको एक चाहिए इस तरह की बैटरी। ये है लिथियम पॉलीमर बैटरी। दरअसल ये बैटरी ब्लूटूथ वाले वायरलेस हेडफोन वगैरह में लगता है। तो आज हम लोग इसी बैटरी को इस मिनी डीजे में लगाएंगे। यदि आपके डब्बे में छोटी मोबाइल की बैटरी आ जाती है तो आप चाहें तो मोबाइल की बैटरी भी इसमें लगा सकते हैं, और आपके डब्बे में लिथियन आयन बैटरी लग जाती है तो आप लिथियन आयन बैटरी को भी लगा सकते हैं। हालांकि मेरा डब्बा बहुत ही छोटा है, इसमें ना तो मोबाइल की बैटरी आ रही है और ना ही लिथियन आयन बैटरी, तो इसलिए मैंने मार्केट से ये बैटरी परचेज़ किया है। यदि आप इसमें बैटरी लगाते हैं तो इस बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए आपको एक चार्जिंग मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये चार्जिंग मॉड्यूल मार्केट में आपको 30 से 35 रुपये में मिल जाएगा, और ये बैटरी मुझे मिला है 60 रुपये का। इन दोनों के अलावा एक स्विच चाहिए, देखिए ये है मेरे पास पुश स्विच, नहीं तो इस तरह के स्विच का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह के स्विच का, जो भी आपके पास स्विच है उसका यूज आप कर सकते हैं। हालांकि मैं इन सभी का डायग्राम बनाकर इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा। आप चाहें तो उस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फटाफट हम कनेक्शन कर लेते हैं। और स्विच लगाने के लिए हमें यहाँ पे छेद नहीं करना है, स्विच को हम यहाँ पे चिपका देंगे और इन दोनों पिन को धीरे से यहाँ पे अंदर कर देंगे, बस इतना ही करना है। देखिए हमने इस मिनी डीजे में चार्जिंग मॉड्यूल तथा बैटरी को लगा दिया है। वैसे भी इसका डायग्राम बनाकर मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप डायग्राम की मदद से इस चार्जिंग मॉड्यूल तथा बैटरी का कनेक्शन समझ सकते हैं। पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। यह है चार्जिंग कनेक्टर जिसमें से 2 वायर आया है। यह है माइक्रो एसबी जैक, आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट अपने मोबाइल के चार्जर को लगाकर इसके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस का 2 वायर अलग से यहाँ पर जोड़ने का पॉइंट दिया होता है, तो हमने अलग से 2 वायर जोड़ दिया है। अब आते हैं इधर, तो इधर में बी प्लस बी माइनस है जिसमें हमने बैटरी का कनेक्शन किया है। देखिए इस बैटरी कनेक्शन बी प्लस और बी माइनस में किया है। उसके बाद आउट माइनस है, तो आउट माइनस को हमने 1 वायर जोड़कर ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में दे दिया है। देखिए माइनस वाले जगह पर इस चार्जिंग मॉड्यूल का आउटपुट में जो प्लस निकलता है उसमें हमने एक तार जोड़कर इसके स्विच में दिया है, और स्विच के दूसरे पॉइंट से एक तार जोड़कर इस ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में यहाँ पे दे दिया है प्लस वाले जगह पे। बस इसका कनेक्शन इतना ही है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक बार टेप से लपेट देना है ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए तीनों मॉड्यूल में हमने सही प्रकार से टेप लपेट दिया है और इसमें शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए इन सभी आइटम को हम इस डिब्बे में पैक करते हैं। सबसे नीचे रख देते हैं बैटरी को, फिर उसके बाद चार्जिंग मॉड्यूल, उसके बाद ब्लूटूथ, उसके बाद ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। तो देखिए हमने सभी आइटम को इस डिब्बे में सही प्रकार से पैक कर दिया है। अब चलिए एक बार हम इसका टेस्टिंग करते हैं। यहाँ जो स्विच दिया है, इस स्विच को जब हम दबाएंगे तो आप देखेंगे इस स्पीकर से एक आवाज़ आएगी, देख रहे हैं। स्पीकर में हल्का सा जंपिंग हो रहा है और एक आवाज़ आ रही है। अभी हम क्या करेंगे,
अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और इस स्पीकर को कनेक्ट कराएंगे। देखिए इसका सिंबल है SKE, इस पर जैसे हम टच करेंगे तो एक बीप का आवाज़ आएगा, यानी कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अब चलिए इसमें हम कोई गाना प्ले करते हैं। यानी ये सही प्रकार से काम कर रहा है। अब चलिए हम इसमें चार्जिंग लगा कर देखते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर की बत्ती जल रही है, यानी सही प्रकार से चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने मिनी डीजे को रिचार्जेबल बना सकते हैं। देखिए हमने इस डब्बे में सभी आइटम पैक तो कर दिया है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से कोई पेपर चिपका देंगे या फिर इसी रेड कलर के टेप को ऊपर से हम पूरी तरह से लपेट देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे बैटरी भी हिल रहा है, तो इस बैटरी में हम डबल साइड टेप लगाकर इसे हम यहाँ पे चिपका देते हैं। तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।